एक्सप्रेस प्रस्तुत है आज की खास खबर। विकास की राह देखता मोचीबाग गांव 70 साल से नहीं हुआ विकास। राजधानी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव मोचीबाग, जो विकासखंड बख्शी का तालाब तहसील बख्शी का तालाब में स्थित है, आजादी के 70 वर्ष बाद भी विकास की किरण इस गांव पर नहीं पहुंची। जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तक राजनीतिक दल के नेता गांव में लंबे लंबे वादे करके चले जाते हैं, लेकिन फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। क्या मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मोची गांव का विकास हो पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। जब हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से पूछा तो उनका जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। राजधानी लखनऊ से महज 25 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव मोचीबाग जिसे किया जा रहा है नजरअंदाज। गांव के सभी रास्ते खस्ताहाल, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। गांव में नाली पानी की विकट समस्या। गांव के जिम्मेदार अपनी राजनीति चमकाते हैं, गांव की समस्याओं का कोई समाधान नहीं। गांव की समस्याओं से जिम्मेदार करते हैं किनारा, विकास के नाम पर बस खाना पूर्ति। रोड खराब है, बनना है और का दिक्कत हो रही है बच्चों को, तो दिक्कत हो रही है। गिर जावे कितनी नई रकम बची है। टहला वाला बहुत है गाँव में, यहाँ बहुत सहला है, बहुत ज्यादा गंदगी है, सफाई हो अच्छा रोड बन जाए। हम लोग के भी गाँव देखने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता, ना यहाँ का कोई प्रधान, ना कोई बाहर का कोई विकास, कुछ भी तो नहीं होता है। क्या करें, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।